500 साल का खत्म हुआ इंतजार, अयोध्या में राम वापस लौटा है। जी हाँ, राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है हमारे अयोध्या में। पूरा इंडिया इस जश्न को मना रहा है, पूरा इंडिया में दीपावली बन रहा है और हमारे बिहार में भी इस जश्न को बहुत खूबसूरती से मनाया जा रहा है। तो अगर आप इस जश्न में शामिल नहीं हो पाए तो ब्लॉग पूरा लास्ट तक देखिए। अभी गाइस आप लोगों को पटना का पूरा रोड भी घुमा रहे, देख सकते हैं। पटना के कहीं किसी भी कोने में चल जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको इस तरह से प्रसाद दिया जा रहा है। मैं हूं गाइस आपका जो है दोस्त जय, यहां पर आप सबको हैप्पी दीपावली बोलेंगे, क्या बोले मैं समझ नहीं आ रहा है। फिर से ऐसा मुझे दीपावली बन रहा है, हमारे भारत में दो बार दीपावली बनने वाला है। 22 जनवरी को हमेशा याद रखिएगा, पूरे 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 भारत में सज धज का पूरा भारत है, ऐसे बिहार नहीं पटना ही नहीं, हर जगह आप लोग जाइएगा, सही आपको दिखने वाला, गली गली में आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। अयोध्या में गए राम मंदिर के उद्घाटन में, पटना में भी दिए जलाए जा रहे हैं, लाखों दिए जा रहे हैं, यहाँ पर भी पटना में नहीं बिहार में बनाया जा रहा है राम मंदिर के खुशी में दिया जलाया जा रहा है पूरा इंडिया। ये देख लीजिएगा लाखों दिए यहाँ पर जलाए जा रहे हैं, पटना के डमाले फिर से आपको दिखा रहे हैं, एक एक पब्लिक एकदम जुटी हुई है, देख लीजिए। शाम के टाइम ये पूरा कुछ दिया जलने वाला है, शाम में बहुत एकदम चकमकाएगा रोड, पूरा डबकला एकदम चकमका रहा है, भीड़ लग गया है, आने जाना गाड़ी का आने जाना पूरा यहाँ से ब्लॉक कर दिया गया है, दूसरे रूट से आपको आने जाना पड़ रहा है। वैसे समझिए छुट्टी मान लिया गया मंडे को, आज का दिन सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा दिन आज माना जाएगा, जो हम लोग इतना साल के मेहनत के बाद अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। हम तो यही कहेंगे जय श्री राम, यही वर्ड सबके मुंह से गाइस आपको सुनाई देने वाला है आज। अभी गाइस आप लोगों को पटना का पूरा रोड भी घुमा रहे, देख सकते हैं। पटना के कहीं किसी भी कोने में चल जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको इस तरह से प्रसाद दिया जा रहा है, पूड़ी पकौड़ा पूड़ी वगैरह सब कुछ खिलाया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। श्री राम अयोध्या लौट आए हैं, उसकी खुशी में प्रसाद बांटा जा रहा है, पटना के हर गली में आपको जैसे दिखने वाला। देख सकते हैं पटना का बंगले पर जोरदार भीड़ हम लोग को देखने को मिल रहा है, लगता है जैसे रामनवमी है वैसा भीड़ देखने को मिल रहा है। अभी पूरा दिया जलानी है यहाँ पर, दिया देख सकते हैं ऊपर लगा हुआ है, आगे है बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर, देख लीजिए। भीड़ का हम लोग पटना के बंगला में देखने को मिल रहा है, आप लोग रोड देख सकते हैं, काफी भीड़ यहाँ पर है, लग रहा है कि रामनवमी है वैसा भीड़ देखने को मिल रहा है, पूरा पटना यहाँ पर है कि पूरा इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है। अभी गए जाके पटना के डबंगला चौराहे पर फिर से वापस, उस समय जो बोले दिया लग रहा है यहाँ पर काफी भीड़ होने वाला है, दूर दूर से लोग यहाँ पर पूरा जूस लेकर आ रहे हैं। आप सबको एकदम बहुत बड़ी शुभकामनाएं, इंडिया का सबसे महापर्व समझिए बन गया, बहुत जोर से एकदम गाना बज रहा, धमधमा गया भाई, देख लीजिए राम जी के नाम पर बहुत खूबसूरत जुलूस निकाला गया है, ये जुलूस नहीं इसको लोगों का प्यार आप लोग बोल सकते हैं, देख लीजिए दूर दूर से पटना में जितना है हर जगह हर कोने से अपने गली से हर कोई यहाँ पर आ रहा है, बीच सेंटर में यहाँ पर आएगा, आगे पीछे निकलते जाएगा, पुलिस वाले भी अपना निगरानी में लगा हुआ है। ये देखिए जय श्री राम करते करते यहाँ पर आ गए हैं, लीजिए देख लीजिए हर जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जय श्री राम करते देख लीजिए, ये देख लीजिए क्या जुलूस आया है, शुरुआती है, धीरे धीरे हर जगह से पटना के कोना से आने वाला, अभी आपको दिखने वाला है इस तरह से जुलूस,
पटना के डाक बंगला सेंटर में, और बहुत यहाँ पर खूबसूरत दिया भी लगाया गया है। बताया गया 5 लाख दिया यहाँ पर लगाया गया है। गाइस अंदर आ गए, देख लीजिए दिया से बनाया गया जय श्री राम लिखा हुआ है। पूरा 5 लाख दिया यहाँ पर जला गया, 51,000 दिया जला गया, जय श्री राम यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे आप लोग देख सकते हैं काफी खूबसूरत बनाया गया, पूरा लास्ट तक इसमें दिया जलाया गया है। आगे चल के नहीं दिखा पाएंगे, आगे नहीं जाने को मिल रहा है, बट यहाँ से आप लोग देख सकते हैं काफी भव्य काफी खूबसूरत है। 51,000 दिया टोटल यहाँ पर जलाया गया, देख लीजिए काफी खूबसूरत बनाया गया, भीड़ बहुत अच्छा है। मंच पे यहाँ पर देखिएगा हनुमान जी, श्री राम भगवान है, हनुमान जी सबको ये बदल लिए, और काफी खूबसूरत यहाँ पर बना गया राम अयोध्या का, देख सकते हैं मंदिर बहुत खूबसूरत वैसे ही बिट्टू में लाया गया बनाया गया। कितना खूबसूरत देखते हैं जय श्री राम का बनाया गया है दिया से इस्तेमाल करके, बहुत भीड़ जबरदस्त हम लोग को पटना के डाबांगला में देखने को मिल रहा है। ये भीड़ बुलाया नहीं गया है, पैसा नहीं दिया गया, खुद से लोग यहाँ पर आए, क्योंकि लोगों को पता चल गया है श्री राम अयोध्या वापस फिर से लौट आए। जी हाँ, अयोध्या में हमारे लल्ला वापस आ चुके हैं, बहुत खूबसूरत मंदिर वहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, और पूरी सिर्फ अयोध्या नहीं, बिहार नहीं, पूरा इंडिया ये जश्न बना रहा है। समझिए दीपावली साल का पहला दीपावली ये है, अक्टूबर नवंबर में तो होता ही है, बट साल का पहला दीपावली इसी को माना जाएगा। 22 जनवरी 2024 हमेशा लोग याद रखेंगे, समझिए एक हिस्ट्री बन चुका है। बहुत खूबसूरत भाई पटना में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जश्न हो रहा है, पूरा पटाखे छूट रहे हैं, एकदम जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रहा है। मतलब मैं ऐसा सोचा नहीं था, मेरे को लगा था कि होगा भाई आएंगे कुछ लोग आएंगे, बट इतना लाखों की संख्या में लोग आएंगे ऐसा मैंने कभी बिल्कुल भी सोचा नहीं था। चलिए गाइस, तो भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, वापस हम लोग घर जा रहे हैं, थोड़ा ठंड बढ़ गया, रात हो गया। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।